हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आफ्टर क्लास। वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिम सिंहभूम में कुछ वैकेंसी आया हुआ है। इस वेबसाइट को पढ़ाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां आने के बाद आप नोटिस में जाएंगे, देन रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां रिक्रूटमेंट में दो अलग अलग वैकेंसी आया हुआ है। पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर कम सपोर्ट स्टाफ सदर हॉस्पिटल चाईबासा। उसके बाद है रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन एंड सपोर्ट स्टाफ। अलग अलग वैकेंसी है, कितने वैकेंसी है नहीं है हम लोग चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 9/5/2021 यानी कि अगले महीने, अभी बहुत दिन है, और इसका 20/5 यानी कि 20 मई इसमें भी तो और दिन है। सारे 1x1 पॉइंट बात करेंगे। चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग रीड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट स्टाफ यानी कि मेडिकल वर्कर के लिए पदों की संख्या है वो 5 है, यानी कि टोटल वैकेंसी 5 है। योग्यता जो मांगा गया है वो 10th पास मांगा गया है विद ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से मैक्सिमम 35 मांगा गया है, बाकी ST SC के वो छूट मिलेगा। सैलरी मिलेगा वो 8,367 रुपए है। वैकेंसी आया हुआ है निकल करके, ये फिक्स्ड रूप से नहीं है यानी कि आपका परमानेंट जॉब नहीं है। ये कोरोना महामारी को देखते हुए यानी किसी प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कुछ मेडिकल वर्कर आने की कुछ स्टाफ का जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिया जा रहा है। यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा 3 महीना काम करने के लिए मिलेगा, या फिर कोरोना को देखते हुए यानी कि किस प्रकार से सिचुएशन रहता है उसके तरीके से आपका अवधि बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। यदि आप इसमें जाना चाहेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, जिसमें आप अपने शैक्षणिक यानी कि बायोडाटा और सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक यानी कि आपके एक्सपीरियंस को लेकर के जाति प्रमाण पत्र आवासीय आय लेकर के आप कहाँ चले जाना है, सदर अस्पताल चाईबासा में। ये हर सप्ताह के सोमवार को आयोजित कराया जाएगा यानी कि सोमवार के 11 बजे से शाम के 4-5 बजे तक चल सकता है। पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, ये साफ साफ लिखा गया है। बाकी सारे पदाधिकारी का यहाँ हस्ताक्षर है, आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वैकेंसी का और लास्ट में बात करेंगे किस प्रकार से आपको इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है। ये रहा कार्यालय आसैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा। यहाँ टोटल 4 अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकाला गया है। पहला है स्टाफ नर्स, जिसमें से 10 पद है। लैब टेक्नीशियन के लिए 7 पद है और सपोर्ट स्टाफ के लिए 12 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 है। सपोर्ट स्टाफ ये झाड़ूदार लिखा हुआ है यानी शायद आपको झाड़ू वगैरह मारना पड़ेगा। इसमें जो योग्यता मांगा गया है वो 10th+2 यानी कि 12th है। यदि 12th के अलावा देखें तो 3 ईयर का जो कोर्स होता है जनरल नर्सिंग कोर्स वो आपके पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन में जो आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th+2 है, साथ में आपके पास MLT और या फिर DMLT राज्य सरकार से किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए। झाड़ूदार यानी कि झाड़ू मारने वाले के लिए मैट्रिक मांगा गया है, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ता है किसी स्किल वगैरह के, बस हाथ उठा करके मारना है। डाटा एंट्री में आपको 10th+2 मांगा गया है विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि ADCA+ आपके पास होना चाहिए। DCA भी होगा तो चल जाएगा। एंड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। उम्र का यहाँ भी 18-35 है, बाकी कास्ट के अकॉर्डिंग आपको ST SC को कुछ छूट दिए जाएंगे। सैलरी की बात करें तो इसमें 16,564 रुपया है। सबसे ज्यादा सैलरी इसी का है क्योंकि नर्स का काम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 10,973 रुपये ये लैब टेक्नीशियन के लिए, झाड़ू मारने वाले को कम ही मिलता है तो 8,367 रुपये मिल रहा है। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये लॉकडाउन की परिस्थिति में ये भी काम अच्छा है। डाटा एंट्री के लिए 11,528 रुपये दिया जा रहा है। इसका भी डिस्क्रिप्शन कुछ उसी प्रकार से है, अस्थायी जॉब है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, अधिकतम 3 माह के लिए रखा जाएगा, बाकी कोरोना के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। केवल प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को 11 बजे से इसका सदर अस्पताल चाईबासा सेम उसी लोकेशन में इंटरव्यू आयोजित करा जाएगा, उसमें आप उपस्थित होकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट का। यदि आप इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रेसिंग का, क्योंकि सही बोला गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए इंटरव्यू को नॉर्मल जो क्राइटेरिया होता है आपको 100% पूरी तरीके से फॉर्मल ड्रेस में जाना है। फॉर्मल ड्रेस कहने का मतलब ऊपर प्लेन शर्ट होना चाहिए जिसमें चेक वगैरह नहीं होगा, आप नॉर्मल प्लेन शर्ट कोई भी पहन करके जा सकते हैं। नीचे आप ब्लैक पैंट पहन लेंगे और नीचे ब्लैक शू। यदि आप ऑफिशियल शू पहनेंगे तो बहुत अच्छा होगा जिसमें लेस वगैरह नहीं हो, लेस वाला भी होता है तो ऑफिशियल होना चाहिए। आप ये दौड़ने वाला रनिंग शू स्पोर्ट्स शू पहन करके नहीं जाएंगे। यदि आपके पास ब्लेजर है तो लगा सकते हैं, नहीं तो इस गर्मी में छोड़ सकते हैं। आप नॉर्मली प्लेन शर्ट और प्लेन पैंट पहन करके जूता के साथ चले जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को कैसे ले जाना है। डॉक्यूमेंटेशन को आपको एक फाइल में लेकर के जाना है, जो फाइल होगा आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा है, इस प्रकार से एक फाइल आता है 10 रुपए का, उस फाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपका होना चाहिए सारे डिटेल्स, आपके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इस प्रकार से किसी एक का आधार कार्ड रहेगा चल जाएगा। उसके बाद आपके पास 10, 12 जितने भी है जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसमें सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको ओरिजिनल तो लेकर के जाना ही
नहीं जाना है, साथ में आप सारे डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी करके एक पिनअप बना लेंगे, शायद वहां आपको सबमिट करना पड़े। बाकी इंटरव्यू कैसे देना है इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, एक फॉर्म आया था नेहरू युवा केंद्र का इस प्रकार से, तो उसमें बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से आपको इंटरव्यू देना चाहिए। यदि आपको देखना वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। बाकी आप हेजिटेशन नहीं करेंगे, आप नॉर्मली जिस प्रकार से फ्रेंकली अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं वहां भी बात करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार से कोई हेल्प चाहिए तो दृष्टि का या फिर किसी प्रकार से कोई भी इंटरव्यू का सेक्शन आप देख करके जाएंगे जो आपको YouTube के ऊपर इजिली अवेलेबल मिल जाएगा। नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये कोरोना को देखते हुए आने की आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये था दो वैकेंसी जो चाईबासा के लिए था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए अपडेट क्लास के साथ। नमस्कार।